वालेकुम फ़्रेंड्स वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए थैंक यू तो व्यूअर्स चेहरे पर बनने वाले दाने बहुत तकलीफ़ देते हैं लड़का या लड़की की लुक की ऐसी तैसी हो जाती हैं अगर किसी शादी या फंक्शन में जाना हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि मौसम में तब्दीली हर एक के लिए मुख्तलिफ़ अहमियत रखती है कुछ लोग सर्दियों से घबराते हैं और गर्मियों को पसंद करते हैं इसी तरह कुछ लोग गर्मियों से घबराते हैं और सर्दियों को पसंद करते हैं ये सब आपकी जिसम की फिजियोलॉजी पर मुंहसर है कि कौन सा मौसम और कौन से हालात आपके लिए ज़्यादा खुशी का बायस हो सकते हैं गर्मियों के मौसम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा चुस्त और तोाना महसूस करते हैं लेकिन यही गर्मियाँ आप लिए आज़ाबी जाम भी बन सकती हैं अगर आपकी जिसम पर गर्मी दाने बर जाते हों गर्मी दानों में जिसम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पसीना निकालने वाले गुदूद हो जाते हैं इस वजह से जिल के अंदरूनी हिस्से में पसीना जमा हो जाता है और यूं जल्द में लाल निशानात और दाने वगैरह उबर आते हैं गर्मी दाने ख़ारिश जलन और चुभन की वजह से आपकी रोजमर्रा मशगुलिया में गैरमूली तौर पर असरअंदाज होते हैं आम तौर पर गर्मी दाने मौसम के बदलने पर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं इसके अलावा आप कुछ घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके गर्मी दानों से निजात हासिल कर सकते हैं आज मैं आपके साथ एक बहुत ही काम का नुस्खा शेयर करने जा रही हूं, जिसको सिर्फ दो घंटे लगाने से पिंपल्स को आर्जी तौर पर ग़ायब किया जा सकता है और किसी परेशानी के बगैर फंक्शन अटेंड कर सकते हैं टोटका बहुत ही आसान है लिहाजा बनाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती नुस्खा कुछ यूँ है कि फंक्शन वाले दिन जायफल को पीस दूध में मिला दाने पर लगाएं और तकरीबन दो घंटे के अंदर दाने टेम्प्रेरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे तो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़